हेलो स्टूडेंट, हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे थे। क्वांटम मैकेनिक्स के पिछले लेक्चर में हमने ब्लैक बॉडी और ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे प्लांक रेडिएशन लॉ के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है प्लांक रेडिएशन लॉ। प्लांक रेडिएशन लॉ, देखिए पिछले लेक्चर में अपने ब्लैक बॉडी के बारे में पढ़ा था। ब्लैक बॉडी क्या होती है? ब्लैक बॉडी का मतलब होता है ऐसा कोई इमेजिनरी ऑब्जेक्ट जो सभी तरह की वेवलेंथ वाली रेडिएशन का इमिशन या अब्जॉर्प्शन करे। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन किसे कहते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब है कि जब ब्लैक बॉडी को गर्म किया जाता है या टेम्परेचर दिया जाता है तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ब्लैक बॉडी द्वारा इमिटेड रेडिएशन क्या कहलाती है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहलाते हैं। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की वेवलेंथ और इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो इस तरह का ग्राफ आता है। ठीक है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम है या ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो कर्व है उसमें मोस्ट ऑफ रीजन जो है वो विजिबल रीजन में आता है। ठीक, मोस्ट ऑफ रीजन जो है वो नॉन विजिबल रीजन में आता है और थोड़ा सा जो पार्ट है वो विजिबल रीजन में आता है। ठीक है, यानी इतना सा पार्ट जो है वो विजिबल रीजन में आ जाता है और रिमेनिंग पार्ट क्या आता है? नॉन विजिबल रीजन में आता है। यूवी रीजन में आएगा और ये आईआर रीजन में, इंफ्रारेड रीजन में और अल्ट्रावायलेट रीजन में। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो ये ग्राफ था वेवलेंथ और इंटेंसिटी के बीच में, इस ग्राफ में ये जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है इसे क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई। अर्थात ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कर्व में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई। या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि जो विंस डिस्प्लेसमेंट लो है और जो रेले जिन्स लो है उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने की कोशिश की लेकिन सक्सेसफुली एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्योंकि रेले जिन्स लो के अकॉर्डिंग ब्लैक बॉडी रेडिएशन की वेवलेंथ और इंटेंसिटी के बीच में जो ग्राफ आता है वो इस तरह का आता है। ठीक है, और ये ग्राफ किसके अकॉर्डिंग आता है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के अकॉर्डिंग आता है। इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ में दिख रहा है कि लोअर वेवलेंथ पे रेले जिन्स के डाटा और एक्सपेरिमेंटल डाटा सेम है, लेकिन जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज होती है, वेवलेंथ का मान ज्यादा होता है तो हायर वेवलेंथ पे रेले जिन्स के डाटा और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के हो जाते हैं अलग अलग होते हैं। इस बात को रेले जिन्स और विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो कर्व है इसमें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को मैक्स प्लांक ने एक्सप्लेन किया और एक लॉ दिया जिसे प्लांक रेडिएशन लॉ कहते हैं। ठीक है, मैक्स प्लांक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन किया और
एक नियम दिया जिसे प्लांक रेडिएशन लॉ, प्लांक विकिरण नियम या रेडिएशन क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन कहा जाता है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेडिएशन एनर्जी है, रेडिएशन एनर्जी का इमिशन या अब्जॉर्प्शन कंटिन्यूअस ना होकर डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, अर्थात एनर्जी का इमिशन, रेडिएशन एनर्जी का इमिशन या अब्जॉर्प्शन सतत ना होकर असतत फॉर्म में होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि रेडिएशन एनर्जी का इमिशन या अब्जॉर्प्शन छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट्स या बंडल्स की फॉर्म में होता है, जिन्हें फोटोन या क्वांटम में कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या कहा, रेडिएशन एनर्जी का इमिशन या अब्जॉर्प्शन सतत न होकर असतत रूप में होता है, अर्थात रेडिएशन एनर्जी छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट्स या बंडल की फॉर्म में इमिट या अब्सॉर्ब होती है। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि ये जो इमिट या अब्सॉर्ब होती है, जिन्हें फोटोन या क्वांटा कहते हैं, ये जो फोटोन या क्वांटम होते हैं, ये फिक्स एनर्जी के होते हैं। फोटोन या क्वांटम की एनर्जी फिक्स होती है, अर्थात फोटोन की ऊर्जा होगी E=hμ। क्लियर? म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन की आवृत्ति, एच क्या है? एच यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जिसे प्लांक कांस्टेंट कहा जाता है, प्लांक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है, इट्स वैल्यू इज 6.67 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड। ठीक है, तो E=hμ है, यानी हम लिख सकते हैं E directly proportional to μ, अर्थात फोटोन या क्वांटम की ऊर्जा विकिरण की, रेडिएशन की आवृत्ति, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है, या फिर कह सकते हैं कि फोटोन या क्वांटम की ऊर्जा जो है वो विकिरण की फ्रीक्वेंसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है।
वी नो दैट म्यू इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन लैम्डा एंड वन अपॉन लैम्डा इक्वल टू क्या होता है म्यू बार. सो म्यू इक्वल टू क्या होगा, देखिए सी वन अपॉन लैम्डा की जगह क्या लिखूंगी म्यू बार. म्यू बार क्या है, वेव नंबर है. तो E इक्वल टू एच म्यू को क्या लिखूंगी, E इक्वल टू एच म्यू का ये आ जाएगा और म्यू की जगह क्या लिखूंगी सी म्यू बार. ठीक है, तो ये फोटोन या क्वांटम की जो एनर्जी है वो वेव नंबर के फॉर्म में भी याद कर सकते हैं. प्लांक ने ये बताया कि जो ब्लैक बॉडी है वो कई ओसिलेटर से मिलकर बनी हुई है और प्रत्येक ओसिलेटर की फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है. ठीक है, और प्रत्येक ओसिलेटर की जो ऊर्जा है वो लगातार नहीं बदलती, डिस्क्रीट फॉर्म में होती है. अर्थात ओसिलेटर द्वारा एनर्जी का उत्सर्जन एच म्यू के इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में होता है, यानी ई इक्वल टू एन एच म्यू. ठीक है, तो क्या बताया प्लांक ने, प्लांक के अकॉर्डिंग अनुसार ब्लैक बॉडी कई ओसिलेटर से मिलकर बनी है, बनी होती है और प्रत्येक ओसिलेटर की फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है, निश्चित होती है. और ऑसिलेटर की एनर्जी लगातार नहीं बदलती, प्रत्येक ऑसिलेटर द्वारा एनर्जी का इमिशन, प्रत्येक ऑसिलेटर द्वारा एनर्जी का जो इमिशन है वो एच म्यू के इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में, इंटीग्रल मल्टीपल अर्थात इक्वल टू क्या होगा एन एच म्यू के रूप में होता है. के रूप में किया जाता है. प्लांक ने क्या बताया, प्लांक ने यह कहा कि ब्लैक बॉडी जो होती है वो कई ओसिलेटर से मिलकर बनी हुई होती है और प्रत्येक ओसिलेटर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फिक्स होती है. और ओसिलेटर की एनर्जी लगातार नहीं बदलती है, डिस्क्रीट फॉर्म में रहती है. प्रत्येक ओसिलेटर द्वारा एनर्जी का जो इमिशन होगा वो एच म्यू के इंटीग्रल मल्टीपल अर्थात ई इक्वल टू एन एच म्यू के रूप में किया जाता है. तो यहां एन क्या है, एन का मतलब है 1 2 3 4, यानी कि ओसिलेटर द्वारा एनर्जी का इमिशन जो होगा वो 1 एच म्यू 2 एच म्यू 3 एच म्यू की फॉर्म में किया जाता है. इसे क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी कहा जाता है, एनर्जी का क्वांटीकरण कहा जाता है. ये था प्लांक रेडिएशन लॉ. प्लांक रेडिएशन लॉ के अकॉर्डिंग, यानी प्लांक ने अपने नियम के अकॉर्डिंग ब्लैक बॉडी रेडिएशन की एनर्जी डेंसिटी निकालने का एक फॉर्मूला दिया.
एनर्जी, डेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन गिवन बाय प्लैंक इज ई म्यू डी म्यू इक्वल टू 8πh म्यू की पावर क्यूब अपॉन सी की क्यूब डी म्यू अपॉन एक्सपोनेंशियल की पावर एच म्यू अपॉन के टी माइनस वन। ठीक है, यानी ब्लैक बॉडी रेडिएशन की एनर्जी डेंसिटी का ये जो फॉर्मूला दिया इसके बेस पे हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये था प्लैंक रेडिएशन लॉ। प्लैंक रेडिएशन लॉ के लिए प्लैंक को 1918 में नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, और प्लैंक रेडिएशन लॉ की हेल्प से हम स्टार का आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट, बोर का जो एटोमिक स्पेक्ट्रा है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है।